इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने ला दिया है। इस बार ईवीएम हैकिंग का दावा लंदन के एक कथित हैकर सैयद शुजा ने किया है। अमेरिका में राजनीतिक शरण चाह रहे हैं सैयद का कहना है कि भारत में 2014 के आम चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली हुई थी। यही नहीं, हैकर ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की हत्या की वजह भी ईवीएम हैकिंग ही थी।